पूर्वांचल के माफिया डॉन रहे मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी ने चित्रकूट जेल कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इस मामले में अदालत 17 सितंबर को सुनवाई करेगी। केस में जवाब दाखिल करने के लिए राज्य सरकार ने कोर्ट से समय मांगा है। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 17 सितंबर के लिए टाल दिया है। पिछली सुनवाई में अब्बास अंसारी की ओर से उनके वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि दो मामलों को छोड़कर सभी मामलों में अब्बास को जमानत मिल चुकी है। उन्हें उम्मीद है कि अगर इन दो मामलों में भी आने वाले समय में जमानत मिल जाती है तो अब्बास अंसारी को गैंगस्टर मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है, लिहाजा अब्बास अंसारी को गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दिया जाए। चित्रकूट मामले में अब्बास अंसारी समेत पांच के खिलाफ सदर कोतवाली करवी में गैंगस्टर की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इन सभी पर जिला जेल में विधायक के बंद होने के दौरान डराना, धमकाना और मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। चित्रकूट की जेल में बंद रहने के दौरान अब्बास ने अपने ड्राइवर नियाज अंसारी, करवी के सपा नेता फराज खान, कैंटीन व्यवस्थापक रहे करवी के नवनीत सचान और अकाउंटेंट वाराणसी के शहबाज आलम खान पर गैंग चलाकर रंगदारी वसूलने, लोगों को डराने धमकाने का आरोप था। सदर कोतवाल उपेंद्र सिंह की तहरीर पर इन पांचों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इन दिनों विधायक अब्बास अंसारी जेल में बंद है। वहीं मामले में बाकी के सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं। पिछले साल 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब्बास को चित्रकूट जेल में शिफ्ट किया गया था। इसके बाद उनकी पत्नी लगातार नियमों को ताक पर रखकर अपने पति अब्बास अंसारी से जेल के अंदर मिलती रही थी। इस पर 8 फरवरी 2023 को डीएम और एसपी ने छापा मारकर निखत अंसारी और उनके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद अब्बास को ट्रांसफर कर कासगंज की जेल भेज दिया गया। डीएम और एसपी ने छापा मारने के बाद ही पुलिस ने इस मामले में गैंगस्टर एक्ट चलाया था, लेकिन मामले में कुछ खामियां होने के कारण हाईकोर्ट ने केस को रद्द कर दिया था। इसके बाद अब चित्रकूट पुलिस ने उन खामियों को दूर कर एक बार फिर से पांचों के खिलाफ डीएम की सिफारिश पर शहर के कोतवाल उपेंद्र प्रताप सिंह के करवी कोतवाली में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया गया।